दोस्तों मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है और इस पर इतने ज़्यादा एड आते हैं, मैं हो गया हूँ इरीटेड। बट मुझे इसका एक रामबाण पता लग गया है कि एड्स को कैसे हटा सकते हैं। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एड्स हट जाएंगे, 99% एड हट जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्या आसुई का स्वागत है रूप नारी टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। श्री प्रॉपर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आसुई से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। दोस्तों एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में भर भर के एड आते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा और यहाँ पर देखिए कोई भी एड नहीं आ रहा है। आप सभी को पता है क्रोम ब्राउज़र में बहुत ज़्यादा एड आते हैं। या फिर कोई भी ऐप ओपन करते हो, ऐप के अंदर भर भर के एड आते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए क्रोम ओपन करूँगा, देख सकते हो यहाँ पर कोई भी एड नहीं आ रहा है। जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, पॉपअप एड भी आते हैं। ये सारे एड आने बंद हो जाएंगे। तो कैसे ये प्रॉब्लम फिक्स करना है ताकि आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में कोई भी एड ना आए, तो अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कनेक्शन एंड शेयरिंग, या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में ऑप्शन हो सकता है नेटवर्क, तो यह ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन है प्राइवेट DNS। अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको और एक तरीका बता देता हूँ। ये ऑप्शन सभी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में होता है, तो यहाँ से बैक करना है सेटिंग में। ये ऊपर एक सर्च ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए DNS, लिख कर सर्च करना है। देखिए ऑप्शन आ चुका है प्राइवेट DNS। ये ऑप्शन कुल मिला के आपको सिलेक्ट करना है प्राइवेट DNS। जैसे ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर ये ऑफ होगा या फिर ऑटो पर सेट होगा। प्राइवेट DNS एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मोबाइल फ़ोन में आने वाले सभी एड को ब्लॉक करता है, चाहे वो वीडियो एड हो या फिर पॉपअप एड हो, किसी भी प्रकार का एड क्यों ना हो। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है डिजाइनेटेड प्राइवेट DNS, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एड ऑप्शन मिलेगा या फिर मॉडिफाई ऑप्शन होगा। जैसे यहाँ पर पहले से ये मैं DNS यूज़ कर रहा हूँ, सो यहाँ पर एड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। सो यहाँ पर मैं मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने पहले से सेट कर रखा है। सभी यहाँ पर मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी एड नहीं आता है। यहाँ से एड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये dns.edguard.com, ये एडगार्ड DNS आपको यहाँ पर सेट करना है प्राइवेट DNS के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। dns.edguard.com, तो ये प्राइवेट DNS के अंदर आपको ये एड्रेस एड करना है और यहाँ पर इसे सेव कर दीजिए। और यहाँ पर देख सकते हो ये कनेक्टेड हो चुका है। ये करने के बाद आपको दूसरा सेटिंग करना है, ठीक है। तो अपने मोबाइल फ़ोन में वापस से सेटिंग ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे नीचे आओगे, देखिए ऑप्शन देखने को मिलेगा गूगल, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है एड, ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर एडवर्टाइजिंग ID होगा, इसे आपको डिलीट करना है। एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले से डिलीट कर रखा है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा डिलीट एडवर्टाइजिंग ID, इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ये ID डिलीट हो जाएगा। सो मैंने आपको यहाँ पर ID क्रिएट करके भी दिखाया, मैंने वैसे पहले से डिलीट कर दिया था, आपको दिखाने के लिए यहाँ पर क्रिएट किया फिर उसे डिलीट भी किया। अगर आप यहाँ पर ये दो सेटिंग अपने मोबाइल फ़ोन में कर लेते हो तो सभी एड आपके एड्स हट जाएंगे, कोई भी एड आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो पॉपअप एड हो, वीडियो एड हो या फिर डिस्प्ले एड, किसी भी प्रकार का एड क्यों ना हो। ज़रूर से आप ये दो सेटिंग अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कर लेना, सभी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपको प्राइवेट DNS और एडवर्टाइजिंग ID मिल जाएगा। अगर आपका फिर भी एड आ रहा है और कौन सी कंपनी का मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही हो, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। अगर जिस भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन ज़्यादा होंगे कंपनी का, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो फिर से बना दूंगा। लेकिन मैं दावा करता हूँ यहाँ पर 99% एड आना बंद हो जाएंगे। अगर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।